नंबर फिफ्थ क्या दिया है, इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स. कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हैं जिसपे डिपार्टमेंट क्या नहीं करने देता, इंडेक्स नहीं करने देता. आप किसी भी कंडीशन में क्या नहीं कर सकते, इंडेक्सेशन. तो सबसे पहला क्या हो गया, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स किसको छोड़कर, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड कौन इशू करता है, गवर्नमेंट. इसके बाद स्लम सेल, कैपिटल गेन में एक टॉपिक है स्लम सेल, उसमें अगर अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां भी क्या नहीं करेंगे, इंडेक्स. ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स किसके, इंडियन कंपनी का, किसने परचेज की है. ये कौन सा प्रोविजो हो गया, 48 प्रोविजो 1. फिर फॉरेन करेंसी में अगर कुछ भी लिया यूनिट्स 115 AB. अब देखो जो चेंज है वो पॉइंट नंबर 9th लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स, दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कौन से सेक्शन में, 112A. क्लियर हुआ. देखो सबसे ज्यादा कैपिटल गेन में जो चेंजेस हैं वो किस सेक्शन को लेके है, 112A. 112A में क्या नहीं मिलेगा, रिबेट पहला. दूसरा क्या नहीं करेंगे, इंडेक्सेशन. कौन से दो प्रोविजो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 48 प्रोविजो 1 और 48 प्रोविजो 2. चलो पॉइंट नंबर 6 लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये वाला अपन कहां पे पढ़ चुके हैं, तो इसके साथ घर पे एक बार कौन सा सेक्शन रीड करना, 43CA. इसके साथ घर पे कौन सा सेक्शन रीड करना है, 43CA. 43CA में अपन ने देखा था ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 50C इज एप्लीकेबल इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सबसे पहला लैंड और बिल्डिंग और बोथ. सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ. असेट कौन सा हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी, डेप्रिशिएबल भी और नॉन डेप्रिशिएबल. अब आप दोनों पॉइंट देखो थर्ड में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर इज मोर देन काय का, सेल कंसिडरेशन का. इफ अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी शैल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. इसके बाद देखो, इन अदर वर्ड्स 50C इज एप्लीकेबल ओनली इन दोज केसेस वेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन. क्लियर हुआ, मैंने बताया था ना 100 और 105, 100 और 110 एप्लीकेबल की नॉट, 100 और 104 नॉट एप्लीकेबल. अब तीन केसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस इफ अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर असेसी किस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, तो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी को ही क्या मानेंगे हम, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. दूसरा असेसी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिस्प्यूट, तब भी अपन क्या लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. क्लियर हो गए दोनों पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या कर रहा है वो, एक्सेप्ट, दूसरे पॉइंट में क्या कर रहा है, डिस्प्यूट, तब भी क्या लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. तीसरे पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू. स्टैम्प ड्यूटी की अथॉरिटी की वैल्यू किससे ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, बट उसने क्या नहीं किया, डिस्प्यूट नहीं किया, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू. अगर डिस्प्यूट करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. पॉइंट टू बी नोटेड, 50C इज नॉट एप्लीकेबल इन कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम. पॉइंट नंबर सेकेंड मैं आपको वहीं पे पढ़ा चुका हूं, रीड करो और जल्दी बताओ क्या है, डेट ऑफ एग्रीमेंट, अगर अलग अलग डेट है. क्लियर, चलो पॉइंट नंबर 7 लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चांस ही नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% मिलेंगे. टैक्सेबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अब देखो सबसे पहला सेक्शन कौन सा है, 111A. लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म काय पे लगेगा, टैक्सेस कंप्यूटेड ऑन STCG ऑन ट्रांसफर ऑफ, पहला इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन हैज बीन चार्ज्ड कैपिटल गेन एट फ्लैट रेट. कितना, ये कौन सा सेक्शन कहलाता है, 111A. व्हाट इज 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए. कैपिटल एसेट में क्या क्या, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट. कहां से ट्रांसफर कर रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज. क्या रेट लगेगा, 15%.
The above concessional rate of tax shall apply to a transaction undertaken on recognized stock exchange located in any international financial service center and where consideration for such transaction is paid or payable in foreign currency, even if securities transaction tax is not. अगर स्टॉक एक्सचेंज कहां पे लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा, लेकिन क्या नहीं लगेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। समझना, आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट, कहां से ट्रांसफर कर रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, आईएफएससी। स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, तो क्या नहीं लगेगा, एसटीटी, लेकिन क्या लगेगा, 15% का टैक्स। क्लियर। तीसरा पॉइंट स्टार लगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ, इफ अदर इनकम किससे कम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी रिड्यूस्ड। शिफ्टिंग अलाउड कि नॉट अलाउड, शिफ्टिंग कहां कहां से अलाउड है, तीन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। फिर ये भी अपन पढ़ चुके हैं, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इज अवेलेबल अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में से आप क्या क्लेम नहीं कर सकते, डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ असेसी इंक्लूड्स, मतलब सिंपल है, ग्रॉस टोटल इनकम इस गेन से डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काय पे टैक्सेबल होता है, नॉर्मल रेट। क्लियर हो गया। तो 111A सारे असेट्स पे कि सिर्फ तीन, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट। इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट। अब ये भी अपना सेक्शन पढ़ा हुआ है, कौन से चैप्टर में, फर्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ध्यान देना, इंडिविजुअल ऑब्लिग एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ बीइंग रेसिडेंट, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 20%। रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ, अदर इनकम किससे कम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो जितना अमाउंट कम है वो कहां से शिफ्ट किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अदर इनकम पे टैक्स क्या हो जाएगा, निल, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस डेफिशिएंसी टैक्स कितना लगेगा, 20%। क्लियर। मतलब वापस वही शिफ्टिंग का फंडा आ गया, शिफ्टिंग इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ। किन चीजों से शिफ्टिंग की जा सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A प्लस एनी कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट 20%, लेकिन काय पे, लॉन्ग टर्म, नॉन रेसिडेंट, नॉट बीइंग कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब इसमें पहला केस काय का आ गया, द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10% विदाउट गिविंग फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकेंड प्रोविजो इंडेक्स माइनस कॉस्ट, वहां पे टैक्स कितना लगेगा, 20। एनी अदर केस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना है, 20। अब आप नीचे देखो, ए वाले पॉइंट पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, यही आता है एग्जाम में। हा, किसके लिए बात कर रहे हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज। चलो आप रीड करो, फिर मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं, ये प्रोविजन सिर्फ किसके लिए लगेगा, लिस्टेड सिक्योरिटीज। अब लिस्टेड सिक्योरिटीज में देखो क्या करेंगे, नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्सेशन के विदाउट, और टैक्स कितना, अगर इंडेक्स किया तो 20%। कौन सा फॉलो करेंगे, मतलब असेसी को ऑप्शन काय में है, लिस्टेड सिक्योरिटीज काय में है, लिस्टेड। लिस्टेड में क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब बिना इंडेक्स के निकालेंगे तो रेट, विथ इंडेक्स कौन सा फॉलो करेंगे, विच एवर इज लेस। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी आप क्या क्लेम नहीं कर सकते, डिडक्शन। चलो भाई, इस अटेम्प्ट का सबसे मेजर चेंज, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सेक्शन है, 112A। वापस समझना, कौन सा सेक्शन है,
112A टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 112A फाइनेंस एक्ट 2018. दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट, टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन. कैपिटल गेन कब अराइज हो रहा है? पहले तो असेट क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हैज इन केस वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इज इन द नेचर ऑफ इक्विटी शेयर पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर. और बाकी केस में याद रखना, ये सबसे मेजर है. इक्विटी शेयर के केस में कब होना चाहिए? परचेज और सेल. लेकिन बाकी दोनों असेट्स के केस में एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. नॉन एप्लीकेबिलिटी, दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांसफर अंडरटेकन ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. जो कहां पे लोकेटेड है, तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज कहां पे लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो वहां पे क्या नहीं लगेगा? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. तो ये कंडीशन वहां के लिए एप्लीकेबल नहीं है. और कुछ ऐसे नोटिफाइड केसेस भी हैं जहां पे ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. अब सेकंड देखो, सेकंड भी लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेकंड. इफ अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड द टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर. पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख किस रेट पे टैक्सेबल होगा? 10% सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. LTCG डज नॉट एक्सीड 1 लाख इट शैल नॉट बी चार्जेबल टू. मतलब 112A कब एप्लीकेबल होगा? पहली चीज समझो, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट. इक्विटी शेयर में दोनों टाइम पे STT और बाकी पे ट्रांसफर. अमाउंट इंडेक्स, सॉरी कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे कि नहीं? 48 Provision 3 लगेगा, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे. और जो बैलेंस बचेगा, अगर बैलेंस 150,000 आया तब 1 लाख पे टैक्स नहीं है, 50,000 पे टैक्स. किस रेट से? शिफ्टिंग मिलेगी क्या? वापस बोलो, शिफ्टिंग मिलेगा? यस, शिफ्टिंग इज एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और 112A. अब बताओ, 20%, 15%, 10%, तीनों दिए हैं एक ही क्वेश्चन में. पहले शिफ्ट, उसके बाद अब एक बात बताओ, ये फिर से पढ़ाऊं, फर्स्ट प्रोविजन एंड सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 48 नॉट एप्लीकेबल. तो 112A में कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है? 48 Provision 3. कितने प्रोविजन हैं टोटल? 7. 48 Provision 1, Provision 2, Provision 3, Provision 4, 5, 6, 7 क्या बोलता है? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स का डिडक्शन नहीं है, टैक्स रिबेट नॉट एडमिसिबल. 112A के टैक्स पे आप क्या क्लेम नहीं कर सकते? रिबेट. नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, मतलब 80C से लेके 80U के डिडक्शंस भी आप क्लेम नहीं कर सकते. चार ऐसी इनकम बताओ जहां पे 80C से 80U के डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A प्लस कैजुअल इनकम. शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड फ्रॉम, अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और 112A. शिफ्टिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, इंडिविजुअल और HUF. थर्ड पॉइंट पे लिखो शॉर्ट नोट. भाई ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए. कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इफ टैक्स इज पेएबल अंडर दिस सेक्शन, मतलब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सारे कैपिटल गेन के लिए कि 112A के लिए? 112A के लिए. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और अ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट अक्वायर्ड बिफोर, ध्यान देना डेट कब, 1/2/2018 से पहले शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर. मतलब ये वाला सेक्शन कब लगेगा? सारे असेट्स के लिए कि जो असेट्स 112A में आ रहे हैं. पहली रिक्वायरमेंट. दूसरी रिक्वायरमेंट, ये असेट आपने कब अक्वायर किए होंगे? 1/2/2018 के बाद की पहले. सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच इक्विटी शेयर, मिल जाएगा ये. फिर क्या फाइंड आउट करना है? फेयर मार्केट वैल्यू कब का?
31/1/2018, अभी तक मैंने कैपिटल गेन में क्या पढ़ा था, मैं फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ कब की देखता था, 1/4/2001, लेकिन 112A में मैं फेयर मार्केट वैल्यू कब की देखूंगा, 31/1/2018, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच एवर इज लेस। स्टेप वन में क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप टू में क्या निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू कब की, 31/1/2018। तीसरे स्टेप में क्या निकालना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आ रहा है विच एवर इज लेस। क्लियर हो गया? दो अब तीसरे में देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी डीम टू बी द अमाउंट कंप्यूटेड एट स्टेप वन और स्टेप टू विच एवर इज हायर, मीनिंग ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। चलो आप समझो कितने स्टेप में कंप्यूट होगा, क्या ये कॉस्ट ऑफ असेट सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ किसके लिए, कोई भी ऐसा कैपिटल असेट जो किस सेक्शन में फॉल कर रहा है, 112A, कब अक्वायर करना है, 1/2/2018 से पहले इसमें क्या निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट। दूसरे में क्या करना है, फाइंड आउट फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लेस, फिर 1 और 2 को कंपेयर करना है विच एवर इज मोर। पहले स्टेप वन में कितने पॉइंट है, 1, स्टेप टू में कितने पॉइंट है, 2 में से विच एवर इज लो, और जब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो विच एवर इज हायर। क्लियर? अब सवाल आता है फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, थ्योरी क्वेश्चन 100% मिलेगा। अब सबसे पहला देखो, इन अ केस वेयर कैपिटल एसेट इज क्या है, कहां पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31/1/2018, सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, इफ देयर इज ट्रेडिंग इन सच एसेट ऑन एक्सचेंज ऑन 31/1/2018 कौन सी प्राइस लेंगे, डिपार्टमेंट कभी भी लोएस्ट में नहीं देखेगा, क्या बोलेगा, वो हाईएस्ट प्राइस, क्योंकि क्या निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू। इफ देयर इज नो ट्रेडिंग इन सच असेट ऑन सच एक्सचेंज ऑन 31/1/2018 हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच असेट ऑन सच एक्सचेंज ऑन अ डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब अगर 31st को कोई ट्रेडिंग नहीं हुई तो आप किस तारीख की प्राइस देखोगे, 30 मिनिमम की हाईएस्ट, 1 की तो नहीं देखेंगे ना, प्रीसीडिंग। क्लियर हो गया? ये वाला फंडा कब रहेगा, जब शेयर क्या है, लिस्टेड फर्स्ट, और उसमें ट्रेडिंग कब हो रही है, 31st, तो आप कौन सी रेट लेंगे, हाईएस्ट, 31/1 को ट्रेडिंग नहीं हुई, प्रीसीडिंग। क्लियर? अब दूसरा केस, कैपिटल असेट इज अ यूनिट विच इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, कब, एज ऑन 31/1/2018, तब क्या लेंगे, दिया रहेगा क्वेश्चन में, नेट असेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू ले लेंगे, नेट असेट वैल्यू, वापस समझना कौन सी वैल्यू लेंगे, नेट असेट वैल्यू। अब तीसरे में देखो, मैं वहां कुछ लिखवाऊंगा, वो ध्यान देना, तीसरा केस क्या है, इन केस वेयर कैपिटल एसेट इज एन इक्विटी शेयर, काय में, कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन एन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31/1/2018 बट लिस्टेड ऑन सच एक्सचेंज एंड द डेट ऑफ ट्रांसफर, क्या मतलब हुआ, 31/1/2018 को वो क्या नहीं था, लेकिन जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तब क्या था, लिस्टेड। उसमें एक और कैटेगरी, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड विच बिकम प्रॉपर्टी ऑफ असेसी इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर विच इज नॉट लिस्टेड ऑन सच एक्सचेंज एज ऑन 31/1/2018 बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। चलो मीनिंग बताओ, दिमाग लगाना थोड़ा सा,
चलो क्लियर हुआ कुछ? देखो क्या बोला है, ऊपर वाला केस क्या है, जब ट्रांसफर हुआ तब लिस्ट, और इधर क्या बोल रहा है, लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर पे क्या था, एंड विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ असेसी इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर विच इज नॉट लिस्टेड, मतलब जब उसे मिले थे कोई दूसरी कंपनी के मिले होंगे, एमलगमेशन हो सकता है, डिमर्जर हो सकता है, तो वो शेयर जब लिस्ट था कि अनलिस्ट, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आप ट्रांसफर करने लगे तब वो शेयर क्या हो गया, लिस्ट। इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल सुबेटा बोर्ड पे देखते जाओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये तो मिल जाएगा ना अपने को, देखो कॉस्ट तो रहेगी, क्या निकालना है, एफएमवी, तो एफएमवी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, किस साल का, 18-19 नहीं लेंगे, किस साल का, क्योंकि हम बात किस साल की कर रहे हैं, 17-18, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच असेट इज हेल्ड, और 1-2 मतलब जिस साल इंडेक्स स्टार्ट हुआ, विच एवर इज लेटर, ये फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। कब का फॉर्मूला है ये, सिर्फ इस केस में लगेगा जब कैपिटल एसेट इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है। कैसे निकालेंगे अपन फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, किस साल का, 17-18, डिवाइडेड बाय आपके पास असेट जब आई थी, और मान लो 1-2 से पहले आई तो कब का इंडेक्स लेंगे, 1-2, बेस ईयर क्या आ जाएगा, बेस ईयर 100, बेस ईयर क्या आएगा 100, नोट करो, वॉट इज फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, किस साल का लेंगे, 17-18, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, जिस साल असेट आपके पास आई, और अगर आपके पास असेट 1-2 से पहले आई तो बेस ईयर क्या ले लेंगे, 1-2, और 1-2 का बेस ईयर का क्या रहेगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100। अभी जितने भी सेक्शन पढ़ा है, 111A, 112 और 112A, 100% आएगा, मैंने बहुत इजी वे में करके दिया उसको, पॉइंट वाइज पूरा पॉइंट वाइज याद कर लो, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्योरी में भी पूछ सकता है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा और क्या पूछ सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या बेनिफिट है, जैसे था ना सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स कब नहीं लगेगा, अगर स्टॉक एक्सचेंज कहां पे लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, क्लियर, 8 लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पूरे अमेंडमेंट कैपिटल गेन में अब कौन सा सेक्शन है, 54EC, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उस पैसे को क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट काय में, बॉन्ड्स में, आप देखो उन्होंने क्या बोला, ये बेनिफिट किसको है, एनी टैक्सपेयर, ये बेनिफिट किसको है, एनी टैक्सपेयर, पहले क्या होता था, गोल्ड सेल करो और बॉन्ड्स परचेस कर लो तब भी एग्जेम्पशन मिल जाता था, 2017 तक क्या था, मेरे पास गोल्ड पड़ा है, गोल्ड सेल किए और बॉन्ड्स परचेस कर लिए तो एग्जेम्पशन मिल जाता था, अभी उन्होंने क्या कर दिया, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सिर्फ क्या बोल रहे हैं वो, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इसके पैसे को ही काय में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में, किसी और चीज को इन्वेस्ट करोगे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आप क्या लेना है, कौन से असेट, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट, और लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट कौन से, बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स फॉर बॉन्ड्स इशूड प्रायर टू 1/4/2018, अगर कोई भी बॉन्ड 1/4/2018 से पहले इशू हुआ है तो रिडम्पशन पीरियड कितना बोल रहे हैं, 3 साल, लेकिन इसके बाद इशू हुआ है तो 5 साल, कौन से बॉन्ड्स चलेंगे, NHAI, RECL, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई करे हैं आफ्टर 3 ईयर्स एंड इशूड बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे, 1 साल में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, 50 लाख, पहले लोग क्या करते थे, गोल्ड सेल किया मान लो 2 करोड़ का, 1 करोड़ उस पर कैपिटल गेन हुआ,
पचास लाख के क्या ले लेते थे, बॉन्ड्स, तो टैक्स बच जाता था। आप क्या बोल रहे हैं, अभी भी सेक्शन है लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो काय पे होना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग। पहले लोग क्या करते थे, गोल्ड शेयर्स वेयर सबका पैसा वाइट करने के लिए या उसको सेल करके काय में इन्वेस्ट करते थे, ये बॉन्ड्स में। अभी भी आप इन्वेस्ट करो लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काय का होना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग। पहले बॉन्ड्स का रिडेम्पशन पीरियड कितना था, 3 साल। अब जो नए बॉन्ड्स आ रहे हैं उसके लिए लॉ क्या बोल रहा है, 5 साल। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 साल में 50 लाख। क्या टाइम लिमिट है, 6 मंथ। किस दिन से, डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब ये सब एग्जेम्पशन क्लेम करना है किस दिन से, डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 मंथ। कितना एग्जेम्पशन होगा, न्यू असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। इज इट पॉसिबल टू रिवोक द एग्जेम्पशन, यस। अगर आप 3 साल और 5 साल से पहले अगर बॉन्ड को ट्रांसफर कर देते हो तो जितना भी आपने एग्जेम्पशन क्या करके रखा है, क्लेम दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। अब बताओ 54EC में चेंज क्या हुआ, बॉन्ड्स के पीरियड चेंज किए 3 साल और नए कौन से लेके आ गए, 5 साल। पहले कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर सकते थे, अब सिर्फ किसको इन्वेस्ट करोगे, लैंड और बिल्डिंग। काय में इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स, ये दो कैटेगरी में। 1/4/2018 से पहले है तो 3 साल, ऑन और आफ्टर 1/4/2018 है तो 5 ईयर्स। नाइन्थ लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी चेंज है, 54GB सेक्शन, आप घर पे रीड कर लेना क्या चेंज किया है वो बता रहा हूं। एलिजिबल कंपनी, कोई भी कंपनी विच सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, पहला कब इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). कोई चेंज नहीं है, कौन सा बिजनेस होना चाहिए, एलिजिबल बिजनेस। असेसी को क्या करना है, ट्रांसफरर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कितना शेयर, 50%, और कंपनी क्या होना चाहिए, एलिजिबल स्टार्टअप। याद रखना, एलिजिबल स्टार्टअप और एलिजिबल बिजनेस अमेंड कर दिया है, दो डेफिनेशन अमेंड हो गई, कौन कौन सी, एलिजिबल बिजनेस और दूसरा क्या है, एलिजिबल स्टार्टअप। पहला देखो, एलिजिबल बिजनेस मींस बिजनेस कैरिड आउट बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप एंगेज्ड इन इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस और अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल हाई पोटेंशियल काय का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। लिख लो न्यूज सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट आ सकता है। एक्सप्लेन द टर्म एलिजिबल बिजनेस, क्लियर। अब दूसरी डेफिनेशन काय की डाली है, एलिजिबल स्टार्टअप, कोई भी ऐसी कंपनी जो काय में एंगेज्ड है, एलिजिबल बिजनेस विच फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन नेमली, कब इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, 1 अप्रैल 2016 बट बिफोर 1 अप्रैल, पहले था यहां पे 2019, अब इसको कितना कर दिया है, 2021, और टोटल टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं, 25 crore इन प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर फॉर विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IAC इज क्लेम्ड। एंड कहां से एक सर्टिफिकेट लेना है, एलिजिबल बिजनेस का, काय में से, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। ये दोनों अमेंडमेंट एक जगह और आएंगे, वो चैप्टर है डिडक्शन, वो चैप्टर कहां पे है, डिडक्शन, क्लियर। 2019 को बढ़ा के क्या कर दिया, 2021। चलो इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 35, चैप्टर नंबर 10। क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। एक ही चेंज है इसमें, अब वो चेंज नहीं करते कभी, वो 4 साल 5 साल वाला इंस्टीट्यूट पूछता है। अभी देखो चेंज क्या है, सेक्शन ने एक नया प्रोविजो डाला, थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 79। ध्यान देना, सेक्शन 79 डज नॉट प्रोहिबिट कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉस इन क्लोजली हेल्ड कंपनी। व्हाट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ चेंज इन बेनिफिशियल ओनरशिप। मतलब अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी की क्या चेंज हो रही है, ओनरशिप चेंज हो रही है, कब, ऑन लास्ट डे ऑफ ईयर, किससे ज्यादा, बियॉन्ड 50% ऑल्सो इफ सच चेंज इज ड्यू टू अ रेजोल्यूशन प्लान अंडर IBC, क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मतलब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसकी ओनरशिप किस वजह से चेंज हो रही है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है किस बैंक एक्ट में,
आईबीसी, आगे देखो क्या लिखा है, प्रोविजन इन द एक्ट newly inserted third proviso to section 79 provides as follows, provided also that nothing contained in this section shall apply to a company where change in shareholding take place in a previous year pursuant to a resolution plan approved under IBC after affording a reasonable opportunity of being heard to jurisdictional oblique principal commissioner or commissioner. क्या बताओ, क्या मतलब हुआ वो बोलो. मतलब अगर आईबीसी में कंपनी का केस आ रहा है तब भी वो लॉसेस को क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसके होने के बाद भी, चेंज ऑफ ओनरशिप. और वो चेंज ऑफ ओनरशिप कितनी हो सकती है, 51% से ज्यादा ना. प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल, मेरे को तो लगता भी नहीं कि थ्योरी भी पूछेगा, तो प्रोविजो है. चलेगा ना अभी, डिडक्शन करा के दे रहा हूं, डिडक्शन में ज्यादा चेंजेस नहीं है. डिडक्शन, चलो सबसे पहला देखो क्या है, बेसिक रूल्स ऑफ डिडक्शन सेक्शन 80. देखो सबसे पहला, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन नॉट अलाउड फ्रॉम, ऑब्लिक करके लिखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, लिख लेना वहां पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. और काय में से क्लेम नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A. फिर कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 115A से लेके 115D. डिडक्शन नॉट अलाउड टू मेंबर्स इफ अलाउड टू, सारे पॉइंट सेम है. 9 पॉइंट देखो जिसमें चेंज आया है, डिडक्शन नॉट टू बी अलाउड, क्या लिखा है, डिडक्शन नॉट टू बी अलाउड अनलेस रिटर्न फर्निश्ड. मतलब आप डिडक्शन सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने क्या फाइल करके रखा है, रिटर्न. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB इज नॉट अवेलेबल इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट सबमिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. किस साल से प्रोविजन आया, फाइनेंस एक्ट 2018. अब इस चैप्टर का सबसे मेन अमेंडमेंट पॉइंट नंबर सेकेंड काय का है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, चार्ट. एटी डी, भाई लास्ट टाइम के चार्ट में और इसमें बहुत फर्क हो गया है. फर्स्ट देखो, 80D पहला किसको कवर कर रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. सेकेंड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. और थर्ड क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. मतलब ये तीन चीजों को कवर करेगा. पहला क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. तीसरा क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. ये दोनों चीजें जो है, पहला पेमेंट काय में होना चाहिए, अदर देन कैश. और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल. सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल. और पेमेंट काय में होना चाहिए, एनी मोड. 80D तीन चीजों को कवर कर रहा है. पहला किसको कवर कर रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. यहां पेमेंट कैसे होना चाहिए, अदर देन कैश. काय में पे होना चाहिए, अदर देन कैश, एब्सेंट थे उस दिन. उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सिर्फ किसको, इंडिविजुअल. काय में चलेगा, एनी मोड. अब ये डिडक्शन दो इसमें डिवाइड है. पहला पेमेंट आप किसको कर रहे हो, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन. वापस समझना, इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन. पेमेंट काय के लिए कर सकते हो, तीन चीजों के लिए. पहला मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. कितना डिडक्शन है, अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000, विच एवर इज लेस. क्लियर, ये पहले भी था, अभी भी यही प्रोविजन है. फिर दूसरा यहां पे कौन आ गया, पेरेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. कितना, अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000, विच एवर इज लेस. इसके बाद थर्ड कैटेगरी किसके लिए, HUF. HUF में उन्होंने क्या बोला है, एनी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000, विच एवर इज लेस. अब नीचे उन्होंने कुछ चीजें दी है, अगर कोई भी बंदा, चाहे वो इंडिविजुअल में हो या HUF, वो क्या है, सीनियर सिटीजन, तो एड ऑन कितना हो जाएगा, 25,000.
मतलब 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और सीनियर सिटीजन का एड ऑन कितना 25, पिछले साल तक ये कितना था 5,000, उसको सीधा बढ़ा के कितना कर दिया 25, जो पहले 30,000 की लिमिट थी वो कितनी हो गई 50, पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन, पेरेंट इंक्लूड फादर मदर, डिपेंडेंट भी चलेंगे अदरवाइज भी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ नॉट इंक्लूडेड। इसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वापस सुनना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन फादर मदर मैक्सिमम 5,000, 7,000 हुआ तो 5,000, 4,000। नॉन रेसिडेंट को क्या ट्रीट नहीं करना है, सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करना है। अब नया अमेंडमेंट, अगर आपने 5 साल के लिए प्रीमियम भर दिया एक साथ तो क्या कहलाता है सिंगल प्रीमियम, वहां डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे प्रोपोर्शनेट, वहां डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे प्रोपोर्शनेट, क्लियर। फिर एक पॉइंट में और चेंज किया, अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो पर्सन इंडिविजुअल या एचयूएफ, और जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं वो कौन है सीनियर सिटीजन, क्या उसका मेडिकल इंश्योरेंस होगा, 60 से ऊपर वालों का प्रॉब्लम जाती है, और क्या कंडीशन, नो मेडिकल इंश्योरेंस, तब खर्चे का भी डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 50,000 विच एवर इज लेस, ये सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, चाहे वो एमसीक्यू पैटर्न हो और सब्जेक्टिव पेपर, ड्रॉ करो इसको, फिर से लिखना है तभी वो याद होंगे प्रोविजंस। जिनका रिजल्ट अवेटेड है फोटो भी खींचेगा तो चलेगा। वापस देखो फिर से क्या है 80D, 80D किस किस चीज को कवर करेगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और थर्ड क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन सिर्फ किसको है इंडिविजुअल, पेमेंट कैसे होना चाहिए एनी मोड, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पेमेंट कैसे चलेगा अदर देन कैश, काइंड मत लिख देना अदर देन कैश, ये पेमेंट जो 80D है डिडक्शन दो इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ, एचयूएफ के केस में याद करो अमाउंट डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लेस, एच यू एफ में कोई भी अगर एक बंदा सीनियर सिटीजन है तो एड ऑन कितना हो जाएगा 25, एनआरआई को क्या ट्रीट नहीं करेंगे सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करेंगे। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो सकती है, अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है प्रोपोर्शनेट। उसके बाद नॉन रेसिडेंट को क्या ट्रीट नहीं करना है इंडिविजुअल और एच यू एफ, सॉरी इंडिविजुअल अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट करता है मैक्सिमम स्लैब 5,000, 5,000 से ऊपर हो सकता है क्या, पे तो कर सकते हैं लेकिन डिडक्शन मैक्सिमम कहां तक जाएगा 5,000। चार्ट आपके पास बना है ना, जिनके पास नहीं है फोटो खींच लो क्योंकि आगे कोई बताना, फिर क्लास भी है, इसको घर पे जाके वापस एक बार बना लेना। मैं मेन बता दे रहा हूं चेंज, 5,000 वाला जो एड ऑन था कितने वाला 5,000 वाला सीनियर सिटीजन का एड ऑन वो कितना हो गया है 25, तो एनआरआई को सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम स्लॉट
लेकिन सिर्फ किसको? इंडिविजुअल। कौन से मोड में? एनी मोड अदर देन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अदर देन कैश। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड इस पे भी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा चेंज है ये। काय का है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट सेक्शन। अब ध्यान से सुनना क्या था, पहले था 40,000 और 60,000, विच एवर इज लेस। 60,000 को बढ़ा के कितना कर दिया? 1,00,000। लेकिन ये 1,00,000 की लिमिट किसके लिए है? सीनियर सिटीजन। पहले ये सेक्शन क्या था? 40 और 60 था, 60 को हटा के कितना कर दिया? 1,00,000। और यहां पे एक और वर्ड लिखा था वेरी सीनियर सिटीजन, उसको भी हटा दिया, आप सिर्फ क्या कर दिया? सीनियर सिटीजन। अब देखो क्या बोला है, एलिजिबल स्टार्टअप, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। किसको मिलेगा ये डिडक्शन? कंपनी और एलएलपी। इसको क्या बोला वो? और बिजनेस कौन सा होना चाहिए? एलिजिबल। कहां पड़ा एलिजिबल बिजनेस अभी? कैपिटल गेन में। एलिजिबल स्टार्टअप सब सेम, 19 वाला टाइम पीरियड 21, और टर्नओवर का क्या देखना है? प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर फॉर विच डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 इज क्लेम्ड। और लिमिट कितनी है? 25 CR। कंडीशन वंडीशन सब सेम, मतलब आप तो घर पे दो डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर लो, पहला एलिजिबल बिजनेस और दूसरा एलिजिबल स्टार्टअप। पहला कौन सा कंप्लीट करना है? एलिजिबल बिजनेस, और दूसरा कौन सा है? एलिजिबल स्टार्टअप। बाकी सारी चीजें सेम है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, थ्योरी के लिए अमेंडमेंट है इसमें, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन किसको मिलता है? कोई भी एसएससी जिसका क्या कंपलसरी है? टैक्स ऑडिट। कितना डिडक्शन है? 30%। कितने साल तक? 3 years। अब देखो कहां चेंज किया, डेज में। मिनिमम कितने दिन काम करना था? 240, अभी भी है, लेकिन नया क्लॉज डाल दिया 150 days। किसके लिए? एसएससी एंगेज इन अपैरल फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट। किस साल से? मतलब आप डेज के दो फंडे हो गए, पहला 240 और दूसरा 150। 150 सिर्फ तीन लोगों के लिए, क्या क्या है वो? अपैरल, लेदर और फुटवेयर, बाकी सब सेम। सिक्स्थ क्या है अब? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग, डबल टी नहीं रहे, 80TTA। बार बार तुमको बता रहा हूं, याद करने का सेक्शन, 80TTA। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और HUF। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देखो क्या लिखा है, टाइम डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। कहां से मिलना चाहिए? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस। कितना डिडक्शन है? 100% ऑफ इनकम और 10,000, विच एवर इज। लेकिन ये सेक्शन किसको नहीं मिलेगा? अगर बंदा सीनियर सिटीजन है, अगर सीनियर सिटीजन है तो उसे डिडक्शन 80TTB। अगर बंदा क्या है? सीनियर सिटीजन, तो 80TTB। अभी 4 दिन बचे। नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ फर्म AOP और BOI। अगर अकाउंट किसके नाम से है? फर्म AOP BOI, तब आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद नया डाला है उन्होंने, देखो 80TTB। लेकिन क्या बोला है, कहीं लिखा है टाइम डिपॉजिट छोड़ के? कहीं भी नहीं लिखा। और ये किसको मिलेगा? सीनियर सिटीजन। सब सेम है, सिर्फ लिमिट कितनी हो गई? 50,000। सब सेम है, लिमिट कितनी हो गई? 50,000। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला इंडिविजुअल को, डिडक्शन मिलेगा? मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है, कितना? 50,000 और 100%। एट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नया आ गया, सेक्शन ही नया है, 80PA। बस यही करते रहो, पा मा 25 को पता चलेगा। डिडक्शन फॉर प्रोड्यूसर कंपनीज, किसके लिए है? प्रोड्यूसर कंपनी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रोड्यूसर कंपनी काय में एंगेज्ड? एलिजिबल बिजनेस। अब यहां पे एलिजिबल बिजनेस का मीनिंग फिर क्या हो जाएगा? चेंज। पहला क्या है? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सीड्स लाइव स्टॉक और अदर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू मेंबर और प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ मेंबर। प्रोड्यूसर कंपनी नहीं पढ़ना है, सेम आपने कहां पढ़ा होगा? कंपनीज एक्ट।
मेंबर का भी क्या रहेगा, सेम थर्ड पॉइंट पे स्टार लगाओ क्वेश्चन के लिए, प्रोड्यूसर कंपनी शैल हैव अ टोटल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 सीआर इन एनी प्रीवियस ईयर एंड इट्स ग्रॉस टोटल इनकम शुड इंक्लूड एनी प्रॉफिट और गेन डिराइव फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। मतलब क्या सारी प्रोड्यूसर कंपनी को ये डिडक्शन है, सिर्फ उस प्रोड्यूसर कंपनी को डिडक्शन है जिनका टर्नओवर किससे कम है, 100 सीआर इन प्रीवियस ईयर, और उनकी ग्रॉस टोटल इनकम में किस बिजनेस से इनकम है, एलिजिबल बिजनेस, कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन एट्रीब्यूटेबल टू सच एलिजिबल बिजनेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, द बेनिफिट ऑफ 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ एलिजिबल बिजनेस कितने साल, 5 ईयर्स लास्ट बट बिफोर 1/4/2025। ये याद नहीं भी रखोगे चलेगा, बाद में गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, एक्सटेंड इफ प्रोड्यूसर कंपनी इज एंटाइटल टू डिडक्शन। भाई सिंपल है, अगर यही प्रोड्यूसर कंपनी किसी दूसरे सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर रही है तो डिडक्शन मिलेगा क्या, हम शुरू से एक ही चीज पढ़ते हुए हैं, डबल डिडक्शन नॉट अलाउड। अब दो मिनट और, दो छोटे छोटे चेंजेस है, टीडीएस और टीसीएस छोटे से, फिर वो लिंक हट जाएगा, टीडीएस और टीसीएस अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7.75 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, तो इंटरेस्ट पे टीडीएस लेस नहीं होता अगर वो सिक्योरिटीज किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब आपने टीडीएस का चैप्टर पढ़ा होगा तो एक प्रोविजन अपन ने बार बार पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर क्या लेस नहीं होता, टीडीएस। लेकिन अगर कौन से बॉन्ड्स है, 7.75 सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 और वो इंटरेस्ट किससे ज्यादा है, 10,000 से ऊपर, तो उस पर भी क्या लेस हो जाएगा, टीडीएस। ये कब से आया है प्रोविजन, फाइनेंस एक्ट 2018 सेकेंड, लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। याद है बैंक का एक फंड था बैंक इंटरेस्ट 10,000, अदर देन बैंक इंटरेस्ट 5,000, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए कितना कर दिया, 50,000, सीनियर सिटीजन के लिए कितना कर दिया, 50,000, अपने लिए कितना रहेगा, 10, सीनियर सिटीजन 50,000, अदर देन बैंक इंटरेस्ट 5,000, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट किसके साथ, बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्रांच वाइज कंप्यूटर होगा, और थ्रेशोल्ड लिमिट है नॉन डिडक्शन की, याद रखना ये किस बेसिस पे लेंगे अपन, सीबीआई स्कोर बैंकिंग के हिसाब से, सारे मर्ज करके एक ही जगह लिमिट एप्लीकेबल है, क्लियर, इतना कंप्लीट करो बस। भाई जो अमेंडमेंट्स बताए इसमें दो चैप्टर, तीन चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से करो, फर्स्ट वन इज पीजीबीपी, सेकेंड कैपिटल गेन, और थर्ड सैलरी, और एक आपको काय पे ध्यान देना है डिडक्शन, डिडक्शन में दो बहुत अच्छे से करो, 80D और 80DDB जिनके सारे, सॉरी हाँ 80DDB और दूसरा TTA पे तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और TTB, क्लियर। कितने बजे